नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि M20, M25 और M30 का डिजाइन मिक्स 28 डेज और 7 डेज में कितना होता है। तो गाइज यहां पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स डिज़ाइन, यहां पे ये फार्मूला होता है टारगेट स्ट्रेंथ का। और इसमें से हम फॉर M20 के लिए अगर बात करें तो इस फार्मूले में इसको हम बोलते हैं टारगेट स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये आपका 1.65 × SS मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो अब M20 के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस की वैल्यू जो होती है वो आपकी 4 होती है। ये IS कोड, इस IS कोड से लिया गया है ये एस की वैल्यू जो भी है M20 के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो इसकी जगह हम M20 लिख देंगे 1.65, ठीक है। एस की जगह हम 4 ले लेंगे, 4 हमने लिया है इस IS कोड से, ओके। तो हमारा जो 28 डेज बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका टारगेट स्ट्रेंथ इतना आना चाहिए M20 का, ओके। 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जब जो भी आप क्यूब फोड़ोगे उसका, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस स्ट्रेंथ का मतलब 65 से 70% जो है वो 7 डेज में क्यूब स्ट्रेंथ मतलब गेन कर लेता है। तो कहने का मतलब अगर आप 7 डेज का अगर M20 का मतलब क्यूब टेस्ट करोगे तो उसका स्ट्रेंथ जो आएगा वो इस स्ट्रेंथ का 65 से 70% आता है, ठीक है। तो हम एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कि मान के एवरेज चलते हैं 66.6% स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, ठीक है, क्यूब आपका। तो 7 डेज में जब आप टेस्ट करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ ये आनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा 28 डेज का स्ट्रेंथ है, उसका हमने 66.6% निकाला तो ये हमारा इतना आया, ठीक है। तो यानी हमारा 7 डेज पे जो क्यूब का स्ट्रेंथ आनी चाहिए M20 के क्यूब का, तो वो आपका इतना आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप M25 का यहाँ पे देख सकते हो, M25 में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप 4 रखोगे, ठीक है, जैसा कि M20 में भी आप रखे थे, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने बस क्या, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, ये 25 खाली चेंज हो गया, ओके। 25 हमने यहाँ लिख दिया, एस की जगह 4 रखा, टोटल कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देखिए M25 का 28 डेज का जो टारगेटेड स्ट्रेंथ आएगी आपके क्यूब की वो आएगी 31.6 N/mm². और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका हम 66.6% हम निकाल देंगे। 7 डेज में हमारी कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, क्योंकि 21.04 इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इतना स्ट्रेंथ आ रही है आपके क्यूब्स की M25 में, तो इसका मतलब है आपका क्यूब पास है, ओके। तो ये भी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू, ये भी उसी IS कोड से लिया गया है। M20 और M25 के लिए सेम होता है S की वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। M30 के लिए हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों M30 के लिए S की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ पे इस IS कोड से लिया गया है। यहाँ पे फार्मूले में हम, ये फार्मूला है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम 30 पुट कर देंगे और S की जगह हम 5 ले लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे 5 लिए गई है, ये IS कोड में लिखा है कि M30 के लिए हमको 5 लेना है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 28 डेज में जो क्यूब M30 की स्ट्रेंथ आनी चाहिए टारगेटेड डिजाइन मिक्स की, वो आपकी 38.25 N/mm² आनी चाहिए, ठीक है। और इसका अगर आप 7 डेज का क्यूब आप टेस्ट करोगे तो 7 डेज में इसको स्ट्रेंथ यहाँ पे 66.6/100, ठीक है, तो इतना परसेंट स्ट्रेंथ ही गेन लेता है, तो गेन कर लेता है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ इतनी आनी चाहिए, ठीक है। 7 डेज की क्यूब की स्ट्रेंथ आपकी ये आनी चाहिए और 28 डेज की क्यूब की स्ट्रेंथ ये आनी चाहिए अगर आपका M30 है, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका M20, M25 और M30 के डिजाइन मिक्स के स्ट्रेंथ जो है 28 डेज में और 7 डेज में कितनी आनी चाहिए। दोस्तों ये जो वैल्यू हमने अडॉप्ट की है वो 66.6% ली है, ठीक है। आप इसको 65 से लेकर के 70% में कोई भी चीज़ ले सकते हो, मैंने एक एवरेज वैल्यू पकड़ा है, मैक्सिमम टाइम यही स्ट्रेंथ वो गेन करता है आपका क्यूब, ओके। तो यही आप भी ले सकते हो, इसके अलावा आप इनमें से भी कोई ले सकते हो, ठीक है। यानी 7 डेज की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो वेरी कर सकती है 65 से 70% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ, ओके। तो ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी आप साइड पे लैब में हो तो आपको मतलब M20 और 25 और 30 की स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी, ओके। आप आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।